दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल और विराट कोहली को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, केएल राहुल की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर पाकिस्तान के दिग्गजों के होश उड़ गए। कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग। जी हाँ दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टेस्ट के पहले दिन केएल राहुल की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली है। ऐसे में केएल राहुल की तूफानी पारी को देखकर पाकिस्तान के दिग्गज भी खुश हो गए। इस बीच खुश होते हुए वसीम अकरम, इंजमाम उलहक से लेकर शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर से लेकर केएल राहुल की तारीफ करते हुए हर कोई नजर आया, जिन्होंने अपने बयान दिए जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार केएल राहुल की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर पाकिस्तान के तमाम दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, केएल राहुल और विराट कोहली में से किस महान बल्लेबाज की पारी आपको सबसे ज्यादा बेहतरीन लगी? अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी की। इस दौरान भारतीय टीम ने 59 ओवर की समाप्ति तक पहले दिन 208 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना दिए। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से एकमात्र अर्धशतक केएल राहुल ने बनाए, जिन्होंने अंत तक नाबाद रहते हुए 70 रन की पारी खेली। ऐसे में केएल राहुल की तूफानी पारी को देखकर पाकिस्तान के दिग्गजों ने दिल जीत लेने वाला बड़ा बयान जारी किया, जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा कि अफ्रीका के खिलाफ राहुल ने शानदार बल्लेबाजी की है। राहुल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सभी को अपना दीवाना बनाया। उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए बता दिया कि वो टीम के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। आज के मैच में अगर वो अपनी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं करते तो शायद भारतीय टीम का 200 रन का आंकड़ा पार करना मुश्किल था। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि केएल राहुल ने अपनी बल्लेबाजी के जरिए सभी को एक बात तो बता दी है कि उनका मध्य क्रम में खेलना भारत के लिए एक संजीवनी बूटी के समान साबित हुआ है, क्योंकि अगर कोई ओपनर मध्यम क्रम में खेलता तो ये किसी भी टीम के लिए चैन की सांस लेने वाला पल होता है, क्योंकि ऐसे में खिलाड़ी की काबिलियत पर कभी भी कोई शक नहीं करता है। तो वहीं इंजमाम उलहक ने बयान देते हुए कहा कि अफ्रीका के खिलाफ केएल राहुल हमेशा से बेहतरीन प्रदर्शन करते आए हैं। पिछली बार भी जब सीरीज में केएल राहुल ने बेहतर प्रदर्शन किया था तो भारतीय टीम लगभग मैच को जीत गई थी। ऐसे में यहां पर एक बार फिर से बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। हालांकि राहुल ने एक बार फिर से बता दिया है कि वो टीम के ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी अपने दम पर मैच को पलटना जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि केएल राहुल को काफी समय से ओपनिंग करने का मौका मिल रहा था, लेकिन अपने आप को उन्होंने मध्यम क्रम में बल्लेबाजी करने का मौका दिया, जो इस बात का पक्का कॉन्फिडेंस भी लेकर आए कि वो मध्यम क्रम में बेहतर बल्लेबाजी करके प्रदर्शन भी करेंगे, और इसका उदाहरण भी आज उन्होंने पेश कर दिया। तो वहीं शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा कि केएल राहुल ने अपनी बल्लेबाजी से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया। आज के मैच में भी पहले दिन के अंदर जब सभी बल्लेबाज काफी दिक्कतों का सामना कर रहे थे तो बेहतरीन तकनीक के हिसाब से खेलते हुए राहुल ने सभी को बता दिया कि किस तरीके से आप अफ्रीका के खराब कंडीशंस में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि राहुल अगर बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं करते तो शायद भारतीय टीम का 150 रन का आंकड़ा पहुंचना भी मुश्किल हो जाता, क्योंकि यहां पर कोई भी खिलाड़ी अर्धशतक लगाता है तो उसकी मान्यता शतक के बराबर होती है और उसके तकनीक पर कभी भी सवाल नहीं उठाते हैं। ऐसे में राहुल की बल्लेबाजी को देखकर मैं काफी खुश हूं। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि केएल राहुल को अफ्रीका के खिलाफ विकेटकीपर के साथ साथ मध्यम क्रम में खेलने की मुख्य भूमिका उन्होंने निभाई है, जो उन्हें बेहतरीन तरीके से निभाते हुए देखा गया, क्योंकि अगर आज के मैच में केएल राहुल की बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को नहीं मिलती तो शायद भारतीय टीम इनको आगे मध्यम क्रम में नहीं खिला पाती। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि पूरी दुनिया में कहीं भी बेहतर प्रदर्शन करना कठिन कार्य नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करना वास्तव में एक बहुत बड़ा सौभाग्य का पल रहता है। मुझे लगता है कि राहुल अगर आज बेहतर बल्लेबाजी नहीं करते तो शायद भारतीय टीम को 200 रन का आंकड़ा छूने को नहीं मिलता। मेरे लिए आज के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी राहुल हैं। तो दोस्तों, केएल राहुल की तूफानी बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जा रहा है, जहां साउथ अफ्रीका के कप्तान तेंबा बावुआ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान दोनों टीम एक एक पदार्पण करने वाले खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरी, जहां पर भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा ने अपना पहला मैच खेला और इस बीच भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल आए,
तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत रबाडा ने की और इस दौरान पहले ओवर में अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौका लगाकर अपना और अपनी टीम का खाता खोला। तो वहीं दूसरे ओवर में मार्को जेंसन के सामने रोहित शर्मा ने एक रन बटोर कर अपना खाता खोला और उनकी गेंदबाजी की शुरुआत की। दोस्तों इस बीच बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन 5 ओवर में गेंदबाजी करने आए रबाडा ने भारत को पहला झटका 13 रन के स्कोर पर दे दिया, जहां पर उन्होंने छोटी गेंद डालकर भारतीय बल्लेबाज और कप्तान रोहित शर्मा को पुल शॉट खेलने पर मजबूर किया और उन्हें बाउंड्री पर खड़े बर्गर के हाथों कैच आउट करवा दिया। दोस्तों इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा 14 गेंदों पर एक चौके की मदद से 5 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने शुभमन गिल आए, जिन्होंने 1 रन के साथ अपना खाता खोला। तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने 8 ओवर में आए बर्गर, जिन्होंने अपने पहले टेस्ट ओवर में 4 रन खाए और इस बीच 10वें ओवर में बर्गर ने भारत को दूसरा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में दे दिया। इस दौरान उन्होंने यशस्वी जायसवाल को लंबी गेंद डाली और ड्राइव शॉट खेलने पर मजबूर किया। इस दौरान यशस्वी जायसवाल 37 गेंदों पर 4 चौके की मदद से 17 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली मैदान पर आए, जिन्होंने गिल के साथ मिलकर टीम को संभालने का प्रयास किया, लेकिन शुभमन गिल 11वें ओवर में गेंदबाज बर्गर के सामने विकेट कीपर के द्वारा कैच आउट हो गए। इस दौरान शुभमन गिल के दस्तानों से हल्की सी गेंद लगी जो विकेट कीपर के हाथों में जा पहुंची। हालांकि एम्पायर ने नॉट आउट करार दिया, लेकिन अफ्रीका ने रिव्यू लेकर फैसले को बदलवा दिया और शुभमन गिल 12 गेंदों पर मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आए, जिन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर टीम को संभाला और इस बीच 12 ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना खाता चौके के साथ शाही अंदाज में खोला। हालांकि 13वें ओवर में श्रेयस अय्यर का 4 रन के स्कोर पर पॉइंट पर मार्को जेंसन ने आसान सा कैच छोड़कर उन्हें जीवन दान दिया। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली को टोनी दे जार्जी ने जीवन दान दिया। इस दौरान टोनी ने स्क्वायर लेग पर खड़े रहकर विराट कोहली का 4 रन के स्कोर पर आसान सा कैच छोड़ दिया। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने मिले हुए जीवनदान का फायदा उठाया और मिलकर 68 रन की साझेदारी की, जहां 22 ओवर में दोनों के बीच 50 रन की साझेदारी हो गई और 24वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने मैच का अपना पहला छक्का लगाया। हालांकि पहले सत्र यानी कि 26 ओवर के साथ समाप्त हुआ ये, और जहां पर 91 रन 3 विकेट के नुकसान पर भारत ने बना लिए। तो वहीं पे लंच के बाद जब दूसरे सत्र का खेल प्रारंभ हुआ तो आते ही पहले ओवर में रबाडा ने बड़ी सफलता दिलाई और 68 रन की साझेदारी को तोड़ दिया, जहां पर उन्होंने श्रेयस अय्यर को 50 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 31 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल मैदान में, तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली को भी रबाडा ने 31वें ओवर में विकेट कीपर वैरिन के हाथों कैच आउट करा दिया। इस दौरान विराट कोहली 64 गेंदों पर 5 चौके की मदद से 38 रन बनाने के बाद विकेटकीपर के हाथों बाहर जाती हुई गेंद पर कैच आउट हो गए। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए आए रविचंद्रन अश्विन, जो कि ज्यादा देर टीम को संभाल नहीं पाए और 35वें ओवर में रबाडा के सामने 11 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 8 रन बनाकर मल्डर के हाथों कैच आउट हो गए। अब बल्लेबाजी करने शार्दुल ठाकुर आए, जिन्होंने राहुल के साथ मिलकर 43 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। इस बीच 45वें ओवर में केएल राहुल ने अपना पहला छक्का लगाया, तो वहीं बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर 47वें ओवर में 33 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 24 रन बनाकर रबाडा की गेंद पर डीन एल्गर के हाथों कैच आउट हो गए।